तो अभी अभी आपने जो तस्वीरें देखी वो है दिल्ली एयरपोर्ट की, जहां पर कांग्रेस के नेता जमकर हंगामा कर रहे हैं, धरने पर बैठ गए हैं। और ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा को फ्लाइट से उतार दिया गया। अब क्यों उन्हें उतारा गया, इसके पीछे की क्या वजह है, कांग्रेस इतनी भड़की हुई क्यों है, इस रिपोर्ट में देखिए। 24 फरवरी से 26 फरवरी के बीच रायपुर में कांग्रेस का अधिवेशन होना है। इसमें शामिल होने के लिए दिल्ली से तमाम कांग्रेसी नेता रायपुर जा रहे थे, लेकिन पवन खेड़ा को फ्लाइट से उतार दिया गया, जिसके बाद सारे कांग्रेसी नेता वहीं धरने पर बैठ गए और भाजपा हाय हाय के नारे लगाने लगे। हम सब लोग 6E204 की फ्लाइट से, इंडिगो की फ्लाइट से अपने महाधिवेशन के लिए रायपुर जा रहे थे। इस फ्लाइट में कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के जो हेड है पवन खेड़ा जी, वो भी हमारे साथ थे। इस फ्लाइट में हमारे जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन के सी वेणुगोपाल जी हैं, जनरल सेक्रेटरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी हैं, ऐसे तमाम लोग इस फ्लाइट में जा रहे थे। ये फ्लाइट कांग्रेस महाधिवेशन, जो 85वां कांग्रेस महाधिवेशन हो रहा है, वहां के लिए अग्रसर थी। जब हम लोग चलने वाले थे तभी पता चला कि पवन खेड़ा जी को ये कहकर उतारा गया कि आपके बैग का कुछ एक्सचेंज हो गया, जबकि उनका कोई चेक इन बैग भी नहीं था। नीचे आने पर उनको बताया गया कि उनको डीप्लेन किया गया है और ये CISF के कोई DSP आएंगे, उनको कोई नोटिस सर्व करेंगे। ये मनमानी तानाशाही नहीं तो और क्या है? क्या आप लोगों को फ्लाइट करने से रोकेंगे? आपने पहले हमारे महाधिवेशन में व्यवधान डालना चाहा, वहां पर ED रेड कराकर, अब आप हमारे कुलीग को यहां पर डीप्लेन कर रहे हैं। इन्होंने ऐसा कौन सा गलत काम किया है जिसके लिए ये कार्रवाई की जा रही है, किन धाराओं के अंतर्गत की जा रही है, ये बताना पड़ेगा। और जब तक ये हवाई जहाज हम सब को लेकर, इंक्लूडिंग पवन जी को लेकर नहीं उड़ता है, हम सब यहीं खड़े रहेंगे और ये तानाशाही कतई बर्दाश्त नहीं है। कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर लिखा, आज इंडिगो की फ्लाइट 6E204 से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिल्ली से रायपुर जा रहे थे, सभी फ्लाइट में बैठ चुके थे, उसी वक्त हमारे नेता पवन खेड़ा जी को फ्लाइट से उतरने को कहा गया। ये तानाशाही रवैया है। तानाशाह ने अधिवेशन से पहले ED के छापे मरवाए और अब इस तरह की हरकत पर उतर आया। बताया जा रहा है कि पवन खेड़ा के खिलाफ एक केस दर्ज है। ऐसे में जैसे ही पवन खेड़ा कांग्रेस डेलीगेशन समेत इंडिगो की फ्लाइट में सवार हो रहे थे तो उन्हें रोक दिया गया, और जैसे ही ये हुआ कांग्रेसी भड़क गए और वहीं पर धरने पर बैठ गए। जानकारी के मुताबिक असम पुलिस के आग्रह पर दिल्ली पुलिस ने ये कार्रवाई की। बता दें कि हाल ही में पवन खेड़ा ने PM नरेंद्र मोदी पर एक टिप्पणी की थी और इस कार्रवाई को इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि फ्लाइट से उतारे जाने को लेकर पवन खेड़ा ने कहा कि मुझे फ्लाइट से उतारे जाने की वजह नहीं बताई गई। वहीं नेताओं के प्रदर्शन को देखते हुए CISF की टीम भी एयरपोर्ट पहुंच गई है। नीचे आया तो कहा कि आप नहीं जा सकते, अभी DCP आएंगे आपसे मिलने। मुझे खुद नहीं मालूम, पिछले 20 मिनट से DCP की इंतजार कर रहे हैं। क्या नियम है, क्या कानून है, क्यों मुझे रोका जा रहा है, मुझे नहीं मालूम। ऐसे एयरपोर्ट पे बिना किसी वजह के तो रोकना बड़ा मुश्किल होता है। जब मुझे तो नहीं समझ पा रही, दूसरी तरफ कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट कर कहा, पहले ED ने रायपुर में छापेमारी की, अब पवन खेड़ा को दिल्ली पुलिस द्वारा रायपुर में जहाज से उतार दिया गया। तानाशाही का दूसरा नाम अमित शाही है। मोदी सरकार हमारे राष्ट्रीय महाधिवेशन को बाधित करना चाहती है। हम डरने वाले नहीं है, देशवासियों के लिए संघर्ष करते रहेंगे। देखिए, जिस तरह से आज पवन खेड़ा जी को झूठ बोल करके पहले फ्लाइट से उतारा गया और अब ये कहा जा रहा है कि हम डीप्लेन कर रहे हैं, FIR की कोई कॉपी शो नहीं कर रहे हैं, DGCA के जो रूल्स हैं उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, सीधे सीधे कह रहे हैं कि हमें वर्बली कहा गया है असम में FIR है, यहाँ FIR है और हम ले जाएंगे। ये पूरी तरह से नियम कानून संविधान के खिलाफ है। हम उसके लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं पवन खेड़ा जी के साथ। आप देख रहे हैं कि कैसे इस बस में पवन खेड़ा जी को और रणदीप सिंह सुरजेवाला जी उनके साथ जा रहे हैं। इन लोगों को असम की पुलिस लेकर जा रही है। ये वही असम की पुलिस है, जब निहत्थों पर वार होता है तो चुप रहती है। मैं पूछना चाहती हूँ, उन्होंने कौन सा ऐसा जुर्म किया है कि इनको यहाँ पर डिटेन किया जा रहा है और असम की पुलिस हरकत में आ रही है? ये तानाशाही नहीं तो और क्या है? ये बात करते हैं अभिव्यक्ति की आजादी की, ये आपकी अभिव्यक्ति की आजादी की असलियत है। और अगर आपको एक्शन लेना ही है अब शब्दों पर, तो खूनी पंजा पर, कांग्रेस की विधवा पर, जर्सी गाय पर, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड पर, रेनकोट पहन कर नहाते हैं हमारे प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री को कहने पर पहले नरेंद्र मोदी जी को गिरफ्तार करिए और फिर किसी के खिलाफ एक्शन लीजिएगा। निजी आक्षेप आप लगाते हैं, नेहरू का सरनेम क्यों नहीं यूज करते, जैसी ओछी बात भारतीय संस्कृति के खिलाफ आप बोलते हैं और हमारे नेताओं को यहां से अरेस्ट करके ले जा रहे हैं। एक स्लिप ऑफ टंग हुआ, उन्होंने अपने आप को करेक्ट किया। आपने तो पूरे होशो हवास में इतनी भद्दी और गंदी बातें कही हैं कि आप मुंह छिपाने लायक नहीं है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।